जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के नए वीडियो में। और दोस्तों बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 दिनों के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वीडियो। कंटिन्यू क्या मतलब, सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइफ में कुछ चल रही थी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ चल रही होती है तो उसी के लिए सोच विचार रहे थे, लेकिन अचानक से प्लान बना। अभी हम हैं चुनार जंक्शन, मतलब अपने मुगल सराय से और इलाहाबाद के बीच पड़ता है चुनार जंक्शन, और यहीं से अपना टिकट था जम्मू जा रहे अपना माता रानी वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। और मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरे जीजा जी थे और उनके फ्रेंड लोगों का टिकट कंफर्म था, प्लान था पहले से, लेकिन मुझे फोर्स करने लगे कि नहीं चलिए आप भी चलिए आप भी चलिए, तो इसके वजह से मेरा प्लान अभी जा कर के अटेंडम में बना, तो छुट्टी लेकर के इमरजेंसी में आया। और आज ट्रेन है और अपनी ट्रेन थोड़ी देर में आएगी, मतलब जम्मू तवी जो टाटा नगर से आती है और जाती है जम्मू तवी, वो थोड़ी देर में आएगी अभी इसी पर। और बाकी मेरे भनोई साहब हैं और उनके दोस्त आ रहे हैं अभी, एक और एक मेंबर और आ रहे हैं दोस्त उनके, तो बस यही प्लान है। अभी फिलहाल ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आएगी ट्रेन निकल जाएंगे अपन लोग यहाँ से दर्शन करने के लिए। तब सर कुछ बोलिए, कैसा फील हो रहा है पहली बार जम्मू जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। जम्मू के लिए हम लोग निकले हैं माता रानी कृपा। आपका तो कई बार हो चुका है, हम लोग का पहली बार है, तो क्या सजेशन हम लोगों के लिए देंगे। आज तैयारी है माता वैष्णो देवी के धाम में और चुनार से हम लोग की ट्रेन है, जा रहे हैं कभी भी बच्चे से माता रानी का दर्शन करेंगे, अच्छे से करेंगे अच्छे से, बिल्कुल घूमेंगे और पीले छठ में भी जाएंगे। तो यही प्लान है, माता रानी का दर्शन करेंगे और दो तीन जगह एक्सप्लोर करेंगे, प्लस लास्ट में एक अपना स्वर्ण टेम्पल है, गोंडल टेम्पल अमृतसर, वहाँ भी जाएंगे, फिर वहाँ से रिटर्न टिकट है वहाँ से। तो प्लान फिलहाल अभी है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आने वाली है। और यही अपना पाँच लोग हैं ग्रुप में और एक हम, तो लेकर के पाँच लोग हैं, बस यही जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है और ये रही अपनी ट्रेन टाटा नगर टू जम्मू तवी, और अपना कोच है M1 में 4 सीट है और एक M2 में 1 सीट है, क्योंकि मेरा तो लेट में टिकट बुक हुआ था, वो पीछे ही रहेगा, मतलब इधर ही जाना पड़ेगा। M1 है, ये B1 है, B2 पीछे है, इकोनॉमिक। चलिए दोस्तों अब चलते हैं और अपने एक माता रानी के दर्शन के लिए अपने एक सफ़र का शुरुआत करते हैं। यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और 30 घंटे के लिए इस ट्रेन को मतलब एक सफ़र की तरह सफ़र करेंगे इस ट्रेन में, और अपना कोच M1 है, लास्ट है B2 है, इकोनॉमिक थर्ड AC और इकोनॉमिक थोड़ा सा। कहाँ गए, यही है अपना 18, 19, 20, 21, दो ये आइए भैया, ये 18, 19, 20, 21, हाँ ये वाला, ये दोनों हैं, ये दोनों ऊपर वाला दोनों नीचे वाला, हाँ मिडिल और लोअर। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली अपना सीट पे बैठ गया, ये एक दो और तीन चार सीटें ये हैं, और एक मेरा सीट जो है M2 में है, उसको जा रहे अभी देखने के लिए, और अच्छे से बैठ गए हैं और ट्रेन भी अपनी खुल चुकी है, यहाँ से आते हैं वो अपना सीट देख करके। तो दोस्तों ये है मेरा सीट, लोअर बर्थ है 76 नंबर। फिलहाल अभी तो बैठेंगे उन्हीं लोगों के साथ में, जब सोना होगा तब आएंगे यहाँ पे, नहीं तो
हम देखेंगे अगर कोई मिल जाएगा सिंगल पर्सन तो अपना सीट एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन देखते हैं फिलहाल अभी क्या करते हैं, पहले तो बैठते हैं उनके साथ। वो भी सीट सही है, लोअर बर्थ 76 नंबर। लोअर है? एक नंबर। कब भैया आगे का क्या प्लान है? टाइम तो हो रहा है 8 बजने वाला है, खाना पीना खाया जाएगा 9 बजे, खाना वाना खाया जाएगा क्योंकि रात का सब लोग जगा हुआ, लगभग 2:30-3 बजे का सब जगा हुआ है, तो खाना खाया जाएगा, फिर उसके बाद कम से कम 2-3 घंटा सोया जाएगा, फिर दोपहर में उठा जाएगा, फिर खाना खाया जाएगा, फिर सोया जाएगा, बस यही करना है अब। तो दोस्तों लगता है अपन कहाँ पहुँचे हैं, कौन सा स्टेशन है, इलाहाबाद पहुँचने वाले हैं। थोड़ा नाश्ता किए हल्का फुल्का और सब लोग अपना बेड पकड़ लिया है, क्योंकि सब लगभग रात का ही जगा हुआ है 2:30-3 बजे का, तो सबको नींद आ रही थी, तो थोड़ा सा 2-3 घंटे का जो भी पावर नैप लिया जाएगा, उसके बाद फिर उठा जाएगा लंच करने के लिए। जम्मू तो अभी तक तो खाना है सोना है, बस यही करना है। फिलहाल मेरा भी लग गया, लेकिन इसका पीलो कवर लेने गया है कोच अटेंडेंट जो लड़का है लगाता है, उसके बाद हम भी मस्त से जो भी 2-3 घंटे सोएंगे, नींद अपने को भी लग रहा है। आगे पीलो कवर दोस्तों, हम भी बेड पकड़ लिए हैं, सोएंगे थोड़ा सा आराम से, नींद लग रहा है जोर से, क्योंकि हम भी जगे थे लगभग 3 बजे जगे थे। इसको बंद कर देते हैं, अब ठीक है। ठीक है दोस्तों, 2-3 घंटे के बाद मिलेंगे आपसे। घंटा पे कहाँ चला जा, रेलवे स्टेशन के बाहर जा करके सोच रहे थे कुछ कुछ खा ले, गुलगप्पा वुलगप्पा। हाँ ड्राइवर तो घर का है, रोक के रखेगा। क्योंकि प्राइवेट बस है ये। आज ट्रेन में कही है, फिर परसों बोलिए, अगर फ्लाइट में तो भैया साइड में लगा हुआ आवाज़ ही चाय पी गया। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है और टाइम हो चुका है, लगभग 10 बजने वाला है, और एक्चुअली मैं ज़्यादा मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मोबाइल है और कैमरा है बस, उसी का जो भी है मतलब स्टोरेज है, तो इस वजह से मतलब बस थोड़े बहुत अभी ट्रेवल ट्रेन का रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ, बाकी जो होगा वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जब धाम पे पहुँचेंगे तब। और लैपटॉप अपना लेके मैं आया नहीं, क्योंकि उस अब ट्रेवल में रिस्क है, इतना महंगा लैपटॉप है, कुछ टूट फूट जाए या खो जाए तो हालत ख़राब हो जाएगा, इस वजह से उसको लाया नहीं। और बाकी एक 128 GB का चिप है, उसमें स्टोरेज है उतना, वही रिकॉर्ड हो पाएगा, और एक जो फ़ोन में अभी 70-80 GB जो भी खाली है ये, तो उसी में मैनेज करना है, और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड में थोड़े बहुत जो रिकॉर्ड कर पाए कर पाए। तो खाना पीना हो चुका है, सबका बिस्तरा लग चुका है, और हंसी मजाक कर रहे हैं, बस खाली है थोड़ी देर में, बस अब सब अपना अपना बिस्तरा पकड़ेगा, मैं भी अपने सीट पे जा रहा हूँ, वहीं पे सोऊंगा। सोने के लिए तो यह भी खाली था, ये वाली सीट भी खाली है फिलहाल के लिए, सो सकता था, लेकिन अब रात में कोई आएगा डिस्टर्ब करेगा तो फिर उससे अच्छा है कि अपने ही सीट पे सोऊं और नींद ना ख़राब हो, क्योंकि नींद पूरी रहेगी तो फिर ट्रैवल करने में और मज़ा आएगा, नींद ना रहेगी तो फिर ट्रैवल में कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है तब आप भी चलिए अपने रूम में। चले ठीक है तब, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, कोई दिक्कत होगा तो फिर आइएगा। नहीं जब उठेंगे हिसाब हिसाब करने तो फिर उधर आएंगे हम लोग, या आप आइए उठेगा तो इधर आइएगा, लेकिन बैग छोड़कर नहीं। ठीक ठीक गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो रही है फिर से वीडियो में, और अभी पहुंचे हुए हैं अपन अमृतसर में, ट्रेन रुकी और इसका इंजन चेंज हो रहा है, आधे घंटे का स्टॉप है,
और अभी सब जस्ट सो करके सब उठे हैं, मतलब उठ चुके हैं थे बहुत पहले, मैं भी उठ गया था, आधा घंटा हो गया 45 मिनट में उठे हुए, और जो भी दिनचर्या का काम होता है वो सारे काम कंप्लीट कर लिए, लगभग सभी कर चुके हैं, और बस अब नाश्ता वगैरह जो भी किया जाएगा, और उसके बाद अभी 4-5 घंटे और लगेंगे अपने को पहुँचने के लिए जम्मू में। तो बस प्लान अभी का फिलहाल यही है, चुपचाप बैठेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय पानी पियेंगे। अरे वो लाए थे, वो जो क्या बोलते हैं, चठोरा लाते हैं, वो खाकर पानी भी एकदम पूरा एनर्जी पूरा मिलेगा, और मुझे भी दीजिए एनर्जी ले पूरा जाए। और ये अमृतसर स्टेशन है भाई साहब, बोलिए भोजन पानी कुछ हो जाए नहीं, आप बात करिए, अभी इतना सुबह खाने का मुझे आदत भी नहीं है, भूख भी नहीं लगा है। अरे सर 9:30 बज गया है, सुबह नहीं है। अरे तो पानी पिए ना, 9:30 बजा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खाइए। ये सारे सब आइटम घर से सब लेकर के आए, 5 लोग हैं, 5 लोग लेके आए थे, तो सुबह भी हुआ, दोपहर में भी खा लिए, शाम को भी कल खा लिए, आज सुबह के लिए थोड़ा जो बचा है आज सुबह के लिए हो जाएगा, और बाकी फिर उसके बाद पहुँचने के बाद होटल में खाना वो सब फिर उसके बाद वहाँ खाया जाएगा, और रिटर्निंग के टाइम देखा जाएगा क्या होगा। ये भैया झुलवा हाँ, मन को बनिया पूड़ी है, देसी घी का हाँ, नहीं तो तू खा, तेल नाम ले ले है। मेरा झोला था, इसमें मेरा तो खत्म हो गया, बाकी आइटम इसमें है, लीजिए लीजिए क्या है इसमें। और अब हम बस थोड़ा सा गुजिया खा लेते हैं, 2 को खा करके पानी पी लेंगे, हो जाएगा मेरा। और ये लोग अपना सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, पूरी है, सब्जी है, भुजिया है, और ये अपनी कोच है, लगभग लगभग पूरी खाली हो चुकी है, देख रहे हैं सारा कैबिन खाली है, मतलब एक एक लोग हैं, बाकी तो सारे सीट्स खाली है, और अपना भी खाली है, बस अपने 4 लोग ये है अपना सीट, ऊपर भी खाली, ये वाला भी खाली, ये वाला भी, मतलब इधर भी खाली है और इधर भी खाली है। हमारे बहनों ही सब यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, कब 4 घंटे में पहुँच जाएंगे? हाँ 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, टाइमिंग है दोस्तों जम्मू तभी पहुँचने का, लगभग पहुँच जाएंगे अपन 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे जम्मू तमी, फिर वहां से कटरा जाने के लिए बस उसकी आ जाएगा, चाहे गाड़ी किया जाएगा। तो दोस्तों अभी है पंजाब में, और थोड़ी देर में 2-3 स्टेशन बाद इंटर कर जाएंगे, मतलब बॉर्डर में जम्मू कश्मीर, और उसके बाद अपना नेटवर्क भी गायब हो जाएगा, जो कि इधर का वहाँ के लिए दूसरा सिम चाहिए होता है, लेकिन मेरा सीयूजी सिम है रेलवे वाला, तो मेरा तो ऑल ओवर इंडिया चलता है, वहाँ नेटवर्क पकड़ेगा। और फिलहाल ये है, ये सब पंजाब का एरिया दिखाई दे रहा होगा, और इधर सारे देख रहे हैं पूरा, इधर एक चीज़ देखें खास बात, इधर पूरा एकदम धान की खेती एकदम ज़बरदस्त हुआ है और कटाई भी हो चुका है, इधर भी देखिए पूरा धान लगा हुआ है, कटाई चल रहा है, कुछ खेतों में कटाई हो चुका है, कटाई हो चुका है पूरा, और कुछ कुछ खेतों में तो कौन सा बोल रहे थे, खरीफ, आप ही बोलिए यार। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पंजाब स्टेट में हैं और अमृतसर से रिटर्न जा रहे हैं जम्मू के लिए, यहाँ की जो फसलें हैं धान की फसलें तैयार हो गई हैं, और मंडियों में धान भी कलेक्ट करके रखा गया था, और खरीफ की फसल यानी कि गेहूं की फसल बुआई भी हो गया है, मटर वगैरह की खेती हो गई है। पंजाब की खेती हम लोग का यूपी और अदर प्रदेशों से पहले होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, स्वयं का भी ट्यूबवेल लोग करते हैं, और 7 नदियों का भी प्रदेश बोला जाता है, यहाँ पर 7 नदियाँ हैं, फसल भी हम लोग के यहाँ 2 होती है, लेकिन यहाँ पर लगभग 3 फसलें पैदा होती है, और यूपी में हम लोग के यहाँ भी 1 महीने का समय है,
धान की फसल तैयार होने में, और यहाँ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि धान यहाँ की सब कटाई हो चुका है, कुछ बाकी है और खरीफ की फसल की बुआई हो चुकी है, और इन सब बातों के लिए यही है दोस्तों। भैया हैं जो कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खानदानी खेत बाड़ है, मतलब अच्छा खासा अपने यूपी में करते हैं, तो वही देख करके बातचीत वही हो रहा था अपना कि मतलब यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है। अपने यहाँ तो मतलब गंगा नहर निकली हुई है, उसी से अपना मतलब सिंचाई वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे नहर भी है प्लस साथ साथ में ट्यूबवेल भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि ट्यूबवेल अपने यहाँ भी है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। और एक दूसरी बात ये बहुत ही सुंदर चीज़ यहाँ देखने और सीखने को मिला है कि जो खेत का मेड़ होता है, जिसको हम लोग अपने क्या डांड बोलते हैं, जो डिवाइडेशन होता है किसी व्यक्ति का जमीन का कि इधर इनका है इधर इनका है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो मेड़ है, मेड़ पर प्लांटेशन किया गया है, पौधे लगाए गए हैं, इससे ये होता है कि जो किसान है उनको एक आय का स्रोत हो जाता है, जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं उसको मार्केट में बेच के इनकम का भी स्रोत हो जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ का वातावरण के लिए भी बहुत ही ये लाभदायक है और फायदेमंद है। देखकर बड़ा ही अच्छा मिला और एक सीख मिला कि जो हम लोग यहाँ वेस्टेज ज़मीनें जाती हैं फसल करने के बाद, जो नहर का पटरी होता है, नहर का किनारा होता है या मेढ़ा होता है, उस पर हम लोगों को भी प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि वातावरण के साथ साथ अपनी भी एक इनकम की व्यवस्था होना चाहिए। ये दोस्तों पंजाब का एरिया देख रहे, सब ये पुआल वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, जिनकी जिनकी खेतों में कटाई हो चुकी है पूरा पुआल का इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में एंटर करेंगे, उसके बाद तो सोशली मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट वगैरह तो चल नहीं पाएगा जो अपना सिम इधर का है, बाकी मेरा CUG सिम है, उसमें 1.5 GB मिलता है पर डे का, उसी से देखते हैं काम चला पाएंगे तो चला पाएंगे, बाकी कॉलिंग वगैरह तो कर लेंगे घर पर, बातें होती रहेंगी घर पर। तो दोस्तों ये आ चुका है, कौन सा स्टेशन आया है, कठुआ, ये रहा कठुआ दोस्तों, और यहाँ से अपना नेटवर्क हो चुका है, सारे जो भी उधर के हैं नेटवर्क छोड़ दिया है, अब यहाँ से अपना मेरे पास है CUG रेल वाला, वो है नेटवर्क, इनके पास है ऑलरेडी पहले का ले रखे थे, कभी आए होंगे, जम्मू का नंबर सिम है तो वो नेटवर्क है, बाकी तो इधर का जितना भी है सिम का नेटवर्क सब गायब हो गया, सब इमरजेंसी कॉल ओनली दिखा रहा है। और यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर बोर्ड देखे थे, 50-60 किलोमीटर और जम्मू रह गया है, लगभग 30 घंटे से ज़्यादा हो गए अपने को इसी ट्रेन में बैठे बैठे, लेकिन कोई नहीं, ठीक है सफ़र, बोरियत महसूस नहीं हुआ, मज़ा आया, और साथ में हंसी मजाक करने वाले लोग जब रहे पता ही नहीं चलेगा। खाते पीते एंजॉय करते हुए और बेवकूफिया चुतियापा बात करते हुए जीवन का आनंद लेते हुए ऊंट बिलार दिखाते हुए हाथी घोड़ा देखते हुए जंगलों में पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन।
सर कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, फिर उसके बाद आराम करेंगे, फिर उसके बाद दर्शन के लिए माता रानी के। बोर नहीं हुए ना? हमें आदत है 48 घंटे का सफ़र किए हुए हैं। आप बताइए, आपको बोरियत नहीं ना? पहली बार इतना लंबा सफ़र तय किया है, वो भी 30 घंटे का। हम तो 48 घंटे का किए हुए हैं, दो दिन इसी में बिताए हैं ट्रेन में ही। ये तो मुझे पहले से चलिए दोस्तों, फाइनली अपनी जर्नी ट्रेन की सफ़र ख़त्म हुआ, यहीं पे पहुंच गए मतलब अपन जम्मू तवी स्टेशन, और सब लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ देख लीजिएगा सारे सामान, कुछ छूटा ना हो अपना, वो चादर वगैरह सब है ना, उठा के देख लीजिएगा। अब वो झोला था जो खाने पीने वाला, एगो मेरा सब ले गए, बनू लिए हैं। ठीक है चलिए, पहली बार जम्मू आकर के कैसा फील हो रहा है? कहाँ लिया बन्नू तो नहीं लिया ना? वो फिक्स जगह नहीं है। और ये है दोस्तों जम्मू तवी, जम्मू स्टेशन।